कि किसी भी बीमारी से, किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से, किसी भी विपत्ति से, किसी भी संकट से आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। जितने भाई बहन मेरे प्रभु इस समय बीमार है, विशेष रूप से प्रभु जितने लोग डेंगू से ग्रसित हैं पिता, प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं पिता, बहुत सारी वीकनेस प्रभु शरीर में आ गई है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बीती रात आपको बहुत अच्छी नींद आई होगी और ये नया दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल बहुत अधिक डेंगू हो रहा है लोगों को और बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि डेंगू के लिए प्रार्थना कीजिए, तो आज हम डेंगू के बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस समय प्रभु आपको डेंगू की बीमारी से प्रोटेक्ट करे। जैसा कि हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 और उसका 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इस वचन को आप आजकल रोज सुबह शाम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कहें कि प्रभु तेरा वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इस वचन को आप रोज सुबह शाम प्रोक्लेम करें और आप इस वचन को अपने जीवन में होते हुए देखोगे कि वो डेंगू की बीमारी आपके करीब न आएगी। तो इसलिए इस वचन को आप रोज सुबह शाम कहें। परमेश्वर का वचन कहता है, न दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कोई भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन वादा करता है आपसे, मुझसे, हम सबसे, कि किसी भी बीमारी से, किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से, किसी भी विपत्ति से, किसी भी संकट से आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन वचनों को अपने लिए बोलते रहें। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 53 अध्याय में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया है और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। इन वचनों को बोलते रहें कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है, अब हम स्वस्थ हैं। इस प्रकार की घोषणा आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते रहें और निश्चय परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। जैसे कि हम बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आती हैं, परमेश्वर ने लोगों को कैंसर से चंगा किया, परमेश्वर ने लोगों को बहुत गंभीर गंभीर बीमारियों से चंगा किया है, तो परमेश्वर इसी प्रकार आपको भी चंगा करेगा, आपके जीवन में भी काम करेगा। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक ने रेत पर बनाया, बाढ़ आई, दोनों पर टकराई, परंतु जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था उसकी कोई भी हानि नहीं हुई क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। और आपका घर चट्टान पर है क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, आप उसके राज्य के लोग हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसका मतलब वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसका मतलब वो बीमारी भी आपके पास ना आएगी, इसका मतलब वो बीमारी, वो तूफान आपके पास आने के लिए 100 बार सोचेगा और आपके पास अधिकार है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप उसके चुने हुए हैं, आपके पास अधिकार है, आप उस बीमारी को आज्ञा दें कि वो चली जाए यीशु नासरी के नाम से, आपके परिवार से, आपके परिवार के लोगों के जीवन से वो बीमारी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, इस प्रकार की आज्ञा आप दें और निश्चय परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लेकर के आएगा। आप जानते हैं यीशु मसीह हमेशा बीमारियों को आज्ञा देते थे, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते थे और वे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते थे। उसी प्रकार से आप भी रोज उन बीमारियों को जो आपके परिवार में हैं, जो आपके अंदर हैं, आज्ञा दें, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ और ग्रहण करें इस बात को कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हम बीमारी से मुक्त हैं, हम बीमारियों से स्वतंत्र हो चुके हैं, तूने हमारे रोगों को उठा लिया है, तूने हमारे दुखों को सह लिया,
तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, हमारे डेरे के निकट कोई भी बीमारी नहीं आएगी, हमारे डेरे के निकट कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, तू हमें बचाएगा दिन की धूप से, रात को चांदनी से, हर एक महामारी से, हर एक संकट से, हर एक बीमारी से तू हमें बचा। इस प्रकार की बातों को आप अपने लिए घोषणा करें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे, इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं प्रतिमा मिन झारखंड रांची तोरपा से, सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि 4 अप्रैल 2022 को मुझे बहुत तेज कमर में दर्द शुरू हुआ और मैं चलना, खड़ा होना कुछ नहीं कर पाती थी। बहुत पेन किलर खाई, मसाज कराई, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर मेरी मौसी अन्ना ने मुझे ब्रदर पी के मसीह और सिस्टर अमृता मसीह की प्रेयर के बारे में बताई। फिर मैं व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। 7 अप्रैल 2023 को मेरे लिए प्रेयर किए और इवनिंग 8 अप्रैल 2023 तक मुझे ईश्वर आशीषित किए। मैं अच्छे से चल पाती हूँ, अभी सारा काम कर सकती हूँ। दूसरी गवाही, मुझे पाइल्स था, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, प्रेयर किए और ईश्वर ने मुझे आशीषित किया। तीसरा गवाही, मेरा बेटा 10 मंथ का होने वाला था, उस समय अच्छे से मिल्क नहीं पी पाता था और लिक्विड भी नहीं लेता था। 4 दिन हो गया था, फिर मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, प्रेयर कराई, नाइट से अच्छे से वो खाने लगा। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चौथी गवाही, मेरी मदर इन लोग को पैर में जलन और दर्द रहता था, नाइट में सो नहीं पाती थी, उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, प्रेयर किए और ईश्वर आशीषित किए। बीपी और शुगर भी अभी कंट्रोल में रहता है, इसके लिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से प्रभु के वचन को आपने आज सुना और आज आपके पास अधिकार है वचन का, वचन की सामर्थ को इस्तेमाल करने का। यदि बीमारी, दुख, तकलीफ से होकर आप गुजर रहे तो ये सुबह में आज आप छुटकारा पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद 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 करते स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर सी सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी होली और तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु जितने भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु देश विदेशों से इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आपका कब्जा हो। पवित्र आत्मा आप उन्हें छू ले, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप कार्य करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु रात भर में संभालने के लिए, नया दिन दिखाने के लिए। उस नए दिन में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे आत्मा के कार्य, होली स्पिरिट के वर्क परमेश्वर पिता इनके जीवनों में होने पाए। परमेश्वर ये भाई ये बहन पिता, पिता आज हर प्रकार के नेगेटिव बातों से, दुख बीमारियों से प्रभु छुटकारा पाने पाए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना मेरे प्रभु जी आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी इस समय मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा हर एक के मन को जानता है, हर एक के जीवन में जो परिस्थितियां हैं उसे जानता है। और प्रभु इस समय हर एक जन पिता आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे पिता और उन बातों को आपके आगे रख रहे हैं। होली स्पिरिट आज हर एक के जीवनों में आप कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर सन एंड होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर the great father, you are loving father, thank you lord, you are our healer lord father, धन्यवाद कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु अपने लोगों को चंगा करें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से। परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में ये वचन जो आज की सुबह में इनके बीच में आया है, परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन को प्रोक्लेम
करने में आप अपने लोगों की सहायता करें। होली स्पिरिट आप इन वचनों को इनके जीवनों में पूरा करें। पवित्र आत्मा इन्हें बोलने में इनकी सहायता करें, इस वचन पर विश्वास करने में इनकी सहायता करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, तेरा वचन पावरफुल है प्रभु, और तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में काम करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह में प्रभु, इस वचन के अनुसार इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घरों से हर प्रकार की विपत्ति प्रभु कोसों दूर रहने पाए पिता, क्योंकि तेरा पवित्र लहू इन पर लगाया गया है, इनके परिवारों पर लगाया गया है परमेश्वर पिता। और जिस परिवार पर, जिस पर प्रभु तेरे लहू की छाप है प्रभु, कोई भी विपत्ति उन्हें छूने ना पाएगी प्यारे खुदावन, और इन पर परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की छाप लगी है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आज पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन मेरे प्रभु इस समय बीमार है, विशेष रूप से प्रभु जितने लोग डेंगू से ग्रसित हैं पिता, प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं पिता, बहुत सारी वीकनेस प्रभु शरीर में आ गई है पिता, यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि तूने उनके रोगों को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने उन्हें चंगा किया है, और तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी समय डेंगू की बीमारी से हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम से, इन भाई बहनों के शरीर से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों के शरीर से निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप इनके शरीरों में पिता उस डेंगू की बीमारी को पूर्ण रीति से नष्ट करें, उसे खत्म करें यीशु के नाम से पिता, तेरे लोग रिकवर हों। इससे इस समय तेरी चंगाई का सामर्थ्य प्रभु इन शरीरों में बहने लगे, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, जो सीरियस कंडीशन में है मेरे खुदावन, वो रोग तेरे लोगों को नष्ट नहीं करने पाएगा, क्योंकि तूने अपने लोगों को जीवन दिया है परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु। और सच में प्रभु तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं उनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाती हैं पिता, इस समय प्रभु हर एक रोग, हर एक दुर्बलता उनको छोड़कर चली गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोई भी बीमारी प्रभु आपके लोगों को छूने ना पाएगी मेरे प्रभु यीशु के नाम से, हर प्रकार के रोग इसी समय यीशु के नाम से निकल कर चले जाएं। कैंसर हम तुम्हें आज्ञा देते हैं नष्ट हो, हर प्रकार के बीमारी हम तुम्हें कहते यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाओ पिता। छोटे बच्चों को इस समय चंगा करें, नौजवानों को इस समय चंगा करें, बुजुर्ग लोगों को आप चंगा करें प्रभु, इनके शरीरों पर अपने अधिकार को ले पवित्र आत्मा, इसी समय इनके शरीरों पर अधिकार लेते हैं, उन बीमारियों के ऊपर प्रभुता लेते परमेश्वर, और कहते हैं नष्ट हो हर एक बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से यीशु नासरी के नाम से। आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु तेरा वचन, क्योंकि कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना आएगा। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ये अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में परेशान है पिता, कर्जे को लेकर प्रभु जी, रिलेशनशिप को लेकर प्रभु, परिवारों में मन मुटाव को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, और अन्य क्षेत्रों में जो कुछ भी इनकी समस्या है, जो भी विपत्तियां इन्हें महसूस हो रही है खुदावन, जिससे होकर ये गुजर रहे हैं खुदावन, इनसे आज आप पूर्ण रीति से छुटकारा दे पिता, इस वचन को पिता इन पर आप प्रभु पूरा करे पिता, कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना आ पाए, कोई भी निराशा, कोई भी प्रभु असफलता, कोई भी प्रभु इन्फीरियरिटी प्रभु इनके जीवन तक ना आने पाए पिता, क्योंकि तेरे लोग विजयी उत्सव में लिए तो उन्हें फिरता है प्रभु, तूने उन्हें विजयी किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, यदि आज प्रभु दुष्ट के कार्य है और दुष्ट की ओर से आई हुई जो बीमारियां हैं, तूने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है प्रभु, आज उस अधिकार को लेने में प्रभु इनकी सहायता करें प्रभु, आज उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करने में इनकी सहायता करें, वचनों की घोषणा करने में, वचनों को दिन रात बोलने में आप इनकी सहायता करें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिलीज के लिए प्रभु, ये हर दिन में प्रभु इन वचनों को घोषित करने पाए, घोषणा करने पाए पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आज की सुबह में इनके काम सफल हो, इनका आना जाना तेरी सुरक्षा में हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने स्वर्गदूतों को इनके निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं वो जाए वह उनकी रक्षा करे। यस माय लॉर्ड, जब आज घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, यदि कहीं सफर में जा रहे हैं, कोई भी कार्य प्रभु करने के लिए जा रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जितने भी लोग प्रभु घर से आज बाहर निकल रहे हैं, इस वचन को उनके लिए प्रोक्लेम करते हैं कि तू अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त आज्ञा देगा और वो उनकी रक्षा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे बेटे बेटियों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं पिता, क्योंकि हम सब के दिन तेरे हाथ में है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के दिन में आशीष दे,
संभालें, सुरक्षित रखें, बढ़ाएं, फलवंत करें अपने लोगों को। और प्रभु तेरा लोग जब स्वस्थ भले चंगे रहें तो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए वो इस्तेमाल हो सके। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए। आज के दिन में परमेश्वर तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, तेरी बड़ी बड़ी भलाइयों को ही अपने जीवन में देखें खुदावन, और बहुत से लोगों को तेरे राज्य के लिए जीत सके पिता। आज के दिन में परमेश्वर जो टारगेट्स हैं पिता उन्हें ये कंप्लीट करने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आई प्रेज यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस संगति के लिए, आज के वचन के लिए, आज के प्रभु हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु। ये तेरी प्रजा के लोग हैं जिनसे तू प्यार करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रभु जी, हर एक जन की प्रार्थना विनतियां तेरे आगे रखते हुए, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हाँ आमीन में उत्तर दिया है। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हर दिन में हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं पिता, देश विदेशों से पिता, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बढ़ाइए पिता। मेरे प्रभु जिन्होंने बोया है, उन्होंने अपने प्यार को प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रकट किया है प्रभु, आप उन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करें खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, आशीष दे हर एक जन को पिता। प्रभु जिन्होंने पहली बार इस प्रार्थना को सुना है, यीशु उनके जीवन में तेरे आश्चर्य कर्म हो, यीशु अपने हृदय में वो तुझे जगा दे सके पिता। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितनी प्रार्थना विनतियां इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स फॉर्म के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आए हैं, यीशु मसीह धन्यवाद, आपने उन सब की विनती प्रार्थनाओं को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुएं, अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और आप अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाहियों को जब सुने तो वो आशीष पाएं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।